लाइए जी भैया, सुख लाइए आप। तो ड्यूटी है
मीडिया के लिए अलग से बूथ बने, उनके और उनके परिवार के लोग उससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए एक अलग से प्रयास करने का प्रयास हो रहा है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है, यह भारत के 135 करोड़ लोगों को बचाने का अभियान है। हम लोग आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने दो स्वदेशी वैक्सीन इस देश को समय पे दिए हैं, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ एक साल से पहले वैक्सीन आना ये पहली बार हुआ है। इससे पहले किसी भी, आपने देखा होगा, डेंगू के खिलाफ अब तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाया। अन्य जो बीमारियां उनके खिलाफ, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के का कोई अब तक वैक्सीन नहीं आ पाया। लेकिन नेतृत्व, लीडरशिप जब काम करती तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और भारत अकेला देश है जिसने दो दो वैक्सीन एक साथ लॉन्च की। यह वैक्सीन प्रमुखता के आधार पर हम लोग हर जगह उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि गांव के कॉमन सर्विस सेंटर को इसका केंद्र बिंदु बनाए, और कॉमन सर्विस सेंटर में ही गांव के लोगों का, जरूरतमंद लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको वैक्सीन उपलब्ध करवा दें। आप सबसे मेरी अपील है, हम इस महामारी से सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। इस बृहद अभियान के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के आम नागरिक को भी जागरूक करना पड़ेगा। जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन, हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति अगर अपना जितना बचाव कर सकता है करें। अन्य लोगों को बाहर निकलना ही है आवश्यक कार्य से, तो वे मास्क और दो गज की दूरी का पालन अगर कर सकें तो कोविड से बचने के लिए उत्तम उपाय है। दूसरा, टेस्ट से लोग भागे ना, गांव-गांव में टीमें जा रही हैं, हर व्यक्ति टेस्ट अपना जरूर कराए। ये टेस्ट उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके घर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। WHO ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान की सराहना भी की, इसलिए हमें टेस्ट से भागना नहीं चाहिए। और तीसरा, वैक्सीन से भी हम भागे ना, हमारी पारी जब आएगी हम वैक्सीन अवश्य लगाएंगे, क्योंकि यह वैक्सीन हमारा सुरक्षा कवच होगा। हम लोग इसको अगर जन जन तक पहुंचा करके प्रत्येक नागरिक को इसके लिए जागरूक